हमारी मज़ेदार लाहौरी तवा फिश तैयार है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी गोल्डन कलर उसका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप कैसे हैं? आप देख रहे हैं अमेजिंग फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेके आए हैं वो है तवा फिश। तवा फिश बनाने के लिए सबसे पहले हमने किलो के करीब मछली ली है, और आप देख सकते हैं इतनी बड़ी मछली नहीं है, इसको फ्राई करना ईजी होगा, और बड़ी हो तो उसको फिर उसके पीसीस छोटे करने पड़ते हैं। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी फ़िश ले सकते हैं। चलें सबसे पहले तवा फिश बनाने के लिए जो मसाला चाहिए वो तैयार करते हैं। हम आधा चम्मच हल्दी शामिल करेंगे, आधा चम्मच नमक शामिल करेंगे। हमने फ़िश को धोते हुए नमक और अजवाइन से धोया है, इसलिए उसमें नमक कम डालना है ताकि नमक ज़्यादा ना हो जाए। आधा ही चम्मच हम लाल मिर्च डालेंगे पाउडर की शेप, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे, आधा चम्मच ही सफ़ेद मिर्च शामिल करेंगे, हाफ चम्मच ही हम काली मिर्च कुटी हुई शामिल करेंगे, आधा चम्मच अजवाइन शामिल करेंगे, एक चम्मच जीरा शामिल करेंगे, एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, दो चम्मच कॉर्नफ्लावर शामिल करेंगे, दो चम्मच मैदा शामिल करेंगे, दो चम्मच बेसन शामिल करेंगे, दो अंडे शामिल करेंगे, एक चम्मच लेमन जूस शामिल करेंगे, थोड़ा सा फूड कलर येलो डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, ना चाहें तो नहीं भी डालें, कोई मसला नहीं। एक चम्मच सिरका डालेंगे, सबको मिक्स करेंगे। हमारा तवा फिश मसाला तैयार हो चुका हुआ है, हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें फिश डालेंगे और उसको लगाएंगे। हमारी फिश को मसाला लग चुका हुआ है, अब हम इसको एक घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। आप इसको आधे घंटे के लिए भी कर सकते हैं, पूरे दिन के लिए भी कर सकते हैं, इसमें आपकी अपनी मर्जी है। मिलते हैं घंटे के बाद। दोस्तों हमने तवा चूल्हे पे रख लिया है, अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। ये सरसों के तेल में मछली बहुत अच्छी फ्राई होती है, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, और ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो घी या ऑयल है वो बनाया जाता है और वो सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है। ये हमारी मैरिनेट की हुई फ़िश है, अब इसको तवे पे डालेंगे। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है सरसों के तेल की। मज़ेदार तवा फिश आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्राई हुई है, और सरसों के तेल में ख़ास तौर पर। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिए, और हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ये स्पेशल लाहौर की रेसिपी है हमारी लाहौरी तवा फिश, सारी तैयार हो चुकी हुई है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे। दोस्तों हमारा लाहौरी तवा फिश तैयार हो चुका हुआ है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार हुआ है। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको हमारी हर रेसिपी टाइम पर मिलती रहे। और अपना अपने वालदैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।